गनी भैया की जय। भाई गनी भैया की जय। देख लो भाई गनी पार्टी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यार इतने दिनों के बाद जो मैं व्लॉगिंग वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग को फिलहाल तो दो अपडेट्स बताने हैं। फर्स्ट ये है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं फुल क्रिएटिव में टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियर था, अब मैं नहीं हूँ। तो मैंने क्यों छोड़ी वो आपको बाद में बताऊंगा, और अभी मैं फुल टाइम क्या कर रहा हूँ ये भी आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंड अपडेट ये है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का हो गया है 3 मंथ्स कम्प्लीट। तो अभी फिलहाल थोड़े बहुत बाल तो आप लोग को दिख रहे होंगे, लेकिन डेंसिटी नहीं है, बहुत सारी जगह बाल मिसिंग है। वो फुल ग्रोथ होने में 5 महीने लगते हैं, तो अभी फिलहाल तो टाइम है उसके लिए। और मैंने व्लॉगिंग इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए स्टार्ट करी क्योंकि अभी हम लोग सैटरडे संडे हम लोग जाने वाले सिहावा और उसके आगे राजिम। तो छत्तीसगढ़ का थोड़ा एक टूर मारने वाले, छोटा सा मैं, मिंटू, सुभांशु, रेशभ शायद और मेरा दोस्त सैम पीटर। तो हम लोग का प्लान तो ऐसा है, इसीलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ऑडियंस गैदर कर लूँ उस मेन ब्लॉग से पहले। तो फिलहाल इतना ही अपडेट है। अभी फर्स्ट सबसे पहले जाता हूँ। अभी मेरे को पहले सुबह उठते ही मेरे को ब्रश करने के बाद हेड वॉश करना रहता है क्योंकि रात में मिनोक्सिडिल लगाया रहता हूँ। तो अभी जाता हूँ हेड वॉश करता हूँ, और उसके बाद आज मैं बनाने वाला हूँ चिकन क्रिस्पी एंड सॉफ्ट टेंडर चिकन, ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ, तो वो आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ तो यार हेड वॉश के लिए मैं घर का पानी तो यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे यहाँ बोर है और ये हार्ड वाटर रहता है, तो हार्ड वाटर से धोने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिल्टर वाला पानी निकाल के लाता हूँ थोड़ा सा मैं फिल्टर से, और अब करते हैं वॉश। तो एक तो मेरे को शैम्पू उन्होंने दिया हुआ है मेडिकल वाला, उसके अलावा जॉनसन बेबी यूज़ करने बोलते हैं उन लोग, तो एक दिन वो करता हूँ एक दिन ये करता हूँ, और मतलब ऑल्टरनेट डेज में करता हूँ। तो हेड वॉश तो हो गया है, तेरे किचन ये हम लोग, ये आप सीताफल देख रहे हैं ना, ये बड़े से वो जो बर्तन दिख रहा है ये इस बर्तन में भर के लाए थे और मम्मी पूरा खा चुकी है 2 दिन में, बस इतना सही बचा। इस गिन सकते हैं, पहले तो गिन भी नहीं सकते थे, इतना मेरी मम्मी को सीताफल पसंद है। क्या मैं ऊपर भी नहीं, कहाँ ऊपर दियो, यीशु पप्पा को अच्छा, तो 2-4 दिए हो गए, 40 था, 40-50 रहा होगा इतना सारा। और मम्मी आज बना रही है बिरयानी। टैलेंट है नहीं, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं। मम्मी केला और सीताफल मतलब पलक झपकते ही खा सकती है। तो आज मम्मी बना रही बिरयानी, और अभी मैं बनाऊंगा एयर फ्रायर में अपना चिकन वाला रेसिपी। तो बस अभी निकालता हूँ और थोड़ा कुछ मिक्स करना है तो वो सब करता हूँ। तो मैं बस अपना कुकिंग स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन अभी मेरे को मम्मी मंगा रही मीठा दही, तो वो लेने जाता हूँ। उसके लिए मेरे को मिंटू को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक्टिवा हो गई खराब, तो देखते हैं अगर कोई मैकेनिक खुला होगा आज, क्योंकि भाई दूज है तो शायद सब बंद रहेगा, तो देख के आता हूँ। अगर खुला होगा तो ये गाड़ी को भी छोड़ दूंगा बनने के लिए, फिर आके बनाऊंगा अपना क्रिस्पी एंड सॉफ्ट चिकन टेंडर्स। तो फिलहाल आ गया मिंटू, हम लोग अभी जा रहे हैं देखने कि कोई मैकेनिक वाला कुछ खुला है कि नहीं, फिर एक्टिवा लेके जाएंगे और दही भी लेके आना है, चलते हैं बस। भाई तो घर से बाहर निकलते हैं तो ये सब बांध के निकलना पड़ता है, और जो मैकेनिक के पास हम लोग गए थे वो तो फिलहाल बंद था, तो अब हम लोग जा रहे हैं इंदिरा मार्केट में, कुआं वाला एक जगह उसके सामने, वहीं जा रहे हैं ना, तो कहीं तो जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, मिंटू भी नाश्ता नहीं किया है। फिलहाल देखते हैं कहाँ कुछ मिलता है। तो हम लोग फिलहाल आ गए नाश्ता करने के लिए जलाराम, यहाँ समोसा बहुत अच्छा मिलता है। ये समोसा हो पाएगा, समोसा हो जाएगा, कचौड़ी। तो भाई समोसा तो नहीं मिला, अब जाएंगे कहीं और। भाई जहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा, अभी यहाँ आए थे सरदार जी कुलचे, तो यहाँ कुलचे बस नहीं, बाकी सब है। अब फिर जा रहे कहीं और, सरदार जी भी नहीं है, कुलचे भी नहीं है। भैया समोसा है, मार नहीं हो पाएगा।
10 मिनट भाई, तो इधर भी समोसा नहीं हो पाया, 10 मिनट में बनेगा बोल के, वो 10 मिनट उसका हुआ ही नहीं। तो अब हम लोग निकल गए अपने घर तरफ, साहू जलेबी जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा समोसा आराम से। तो फाइनली साहू जलेबी आए हैं और यहाँ मिला है समोसा। हाँ, दबा हुआ समोसा। भाई कब से घूम रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़, साहू जलेबी ताबड़ तोड़ टेस्टी लग रहे, बस मिर्ची रह गया, मिर्ची का मार रह गया भाई। तली हुई मिर्ची भी रहती ना तो मज़ा आ जाता और एक्स्ट्रा। आ चुका हूँ घर और अभी बन रहा है बिरयानी, दिखाता हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को बिरयानी। तो ये बढ़िया मेरा बिरयानी आ चुका है, अभी इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद मम्मी को चाहूँगा मैं ड्यूटी छोड़ने। तो 1:30 हो चुका है, अब जा रहा हूँ मम्मी को ड्यूटी छोड़ने। तो मिंटू को उठाता हूँ और जाता हूँ, मम्मी को छोड़ के आता हूँ। तो मम्मी को छोड़ के हम लोग आए हैं सोडा पीने, A1 सोडा भैया, 2 नींबू मिक्स। तो मम्मी को छोड़ के आ गए हम फिलहाल, और अभी एक टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज दूंगा, उससे पहले पापा को पानी दे देता हूँ, फिर टेस्ट सीरीज दूंगा भी। One eternity later. या तो टेस्ट सीरीज दे दिया, एक्चुअली मैं 2 टेस्ट सीरीज थे, एक दिया हूँ मैं, एक जिम से आने के बाद दूंगा। आज है जिम में मेरा चेस्ट ट्राइसेप डे, तो अभी निकलता हूँ जिम। मेरी गाड़ी ख़राब है तो चाची की गाड़ी मांगूंगा एक्टिवा, और उसमें जाता हूँ जल्दी से, जिम से आता हूँ। ये देखो हनी इतनी बड़ी हो गई है अब, हनी तो चाची की गाड़ी में आ जाऊँगा जिम। तो भाई अपने जिम के नीचे खुल चुका है पिज्ज़ा हट, बताओ किसके जिम के नीचे होते पिज्जा हट। फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, फुल ट्राइसेप चेस्ट मार के अब नहाऊंगा बढ़िया से। भाई फुल नहा धो के अभी मैं चेंज करके बैठा हुआ, अभी जा रहा हूँ पापा के लिए चाय बनाने, और एक टेस्ट सीरीज देना है मैथमेटिक्स का है, तो चाय बनाने के बाद दूंगा, या फिर चाय के बाद चिकन बनाऊंगा जो मैं सुबह बोल रहा था वो, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज दूंगा। लेकिन 10 बजे ख़त्म हो जाता है, तो उससे पहले मेरे को टेस्ट देना ही है, तो देखता अभी पहले तो चाय बनाता हूँ, फिर जैसा प्लान होगा वैसा आप लोग को भी दिखा दूंगा। भाई तो फुल टेस्ट सीरीज दे दिया, टेस्ट सीरीज के बाद मैं अभी चालू किया हूँ अपना वही चिकन बनाना। चिकन है, इसमें ब्लैक पेपर डाला हुआ है, सॉल्ट डाला हुआ है, और ये है 2 अंडा और मेयोनीज का मिक्सचर, उसमें चिकन डालना है। उसके बाद ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें है थाइम है, पेपरिका है, जिंजर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, और साथ में ये जापनीज ब्रेड क्रम्स है जिसको पंको बोलते हैं, तो वो भी है। तो यहाँ से डिप करके इसमें डालना है। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि एक बैच ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए, तो अगर ये वाला अच्छा टेस्ट करेगा तो फिर डिप करूँगा, अगर नहीं करेगा तो फिर इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। भाई तो मेरे चिकन बन गए एकदम ताबड़तोड़ दिख रहे, दिखाता हूँ आप लोग को, और टेस्ट अभी करा दूँ पप्पा और चाचा को, उन्हीं लोग बताएंगे। मेरे को तो अच्छा लग रहा है वैसे, कैसा लग रहा है पप्पा बताओ, चाचा बताओ कैसा है। फाइनली एकदम मस्त टेस्ट कर रहा है, लेशी लो तू भी खा। One eternity later. तो भाई अपने घर से अब सीधा आया हूँ मिंटू के यहाँ, तो ये है मिंटू की टिप्सी, टिप्सी बाप रे ना, ओवर एक्साइटेड
अब थूक लगा दी बेटी इनसे पूरा मतलब उंगली में। तो फाइनली प्लान बन गया मॉल जाने का, केएफसी जा रहे हैं हम लोग। तो अभी जा रहे हैं गनी भाई को उठाने, गनी भाई को लेके निकलेंगे तुरंत हम लोग मॉल अभी। तो मॉल आके हम लोग आए हैं केएफसी, और आज वेंसडे है तो केएफसी डे। गनी पार्टी दे रहा है लेकिन गनी दिखेगा नहीं। तो मिंटू के बाजू में खड़े है गनी। गनी भाई को खुद को भरोसा नहीं हो रहा कि वो पार्टी दे रहे हैं, गनी भाई के फोन को भी भरोसा नहीं हो रहा कि उसने पार्टी दी है। गनी भैया की जय भाई, गनी भैया की जय। देख लो भाई गनी पार्टी दे रहा है, देख लो सारे सब गनी की तरफ से। तो भाई खा पी के निकल गए हम लोग मॉल से, अब जा रहा हूँ तुरंत मम्मी को लेने और फिर व्लॉग को करेंगे एंड। तो भाई घर आ चुका हूँ और अब समय हो रहा है 10:45। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हाँ ठीक है, और बेल आइकन को वेट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।